बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए मैथ आसान बनाने आई हूँ। बच्चों, पिछली वाली वीडियो में मैं डिजेबिलिटी 3 और 9 की डिजेबिलिटी का रूल बताई थी। आज मैं आपको 2, 4 और 8 की डिजेबिलिटी का रूल बताऊंगी कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्या को आप बिना डिवाइड किए आप पता लगा सकते हैं कि ये संख्या 2 से 4 से 8 से डिवाइड होगा या नहीं। इससे जानने के बाद बच्चों, आपको हमेशा कट करने में बहुत आसानी होगी। ये कट करने में आपको बहुत साथ देगा। ये देखिए बच्चों, जस्ट 2 की डिजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 2 का तो बहुत आसान है बच्चों, लास्ट वाला जो डिजिट होता है बच्चों वो देखना है। जैसे किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट देखनी है, ठीक है। तो ये देखिए कितना है बच्चों, तो 6 है। तो देखिए जिसके लास्ट में बच्चों, जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट क्या हो 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो बच्चों, वो 2 से डिवाइड होंगे। लास्ट वाला डिजिट मतलब ये लास्ट वाला 6। देखिए 6 है ना इसके पीछे, तो ये 2 से डिवाइड होंगे। ओके बच्चों, बिना किए हुए आप पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होंगे। उसी तरह लास्ट वाला इसका डिजिट देखिए 5 है, तो 5 क्या 2 से डिवाइड होंगे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 5 है तो ये नहीं होंगे। ओके बच्चों, उसी तरह ये देखिए इसमें बच्चों 6 है लास्ट वाला डिजिट, तो ये होंगे। तो आप बिना किए हुए देखिए कितना आसानी हो रहा है, आप बिना किए हुए पता लगा सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरह बच्चों, लास्ट में यदि 0 हो, कितना भी 0 हो, 0 यदि है तो बस ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ओके, उसी तरह ये भी लास्ट वाला डिजिट देखिए, ये क्या है 8 है, तो ये भी क्या होगा। ओके, उसी तरह इसका लास्ट क्या है 4 है, तो ये भी होगा। ओके बच्चों, गॉट इट? यदि नहीं समझ में आए बच्चों तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, अब देखिए 4, अब 4 की डिजिबिलिटी का क्या रूल है बच्चों? देखिए 4 की डिजिबिलिटी का रूल देखिए बहुत आसान है। बस इसके एक डिजिट देख रहे थे पीछे का, इसमें 2 डिजिट देखने हैं। 2 डिजिट देखिए कि ये क्या 4 से, 2 संख्या इसका देखिए क्या ये 4 से डिवाइड होते हैं बच्चों। आप ये मत समझिए कि बच्चों कि 4 के टेबल में 4 10 40 होता है तो टेबल खत्म हो जाता है। आप डिवाइड करके देखिए, ऐसे तो ये देखिए 16 4 जाता है, ठीक है, 16 4 जा 64, ठीक है। यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 4 से डिवाइड होगा बच्चों, तो ये 4 से डिवाइड होगा। ओके, ये पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो ये 4 से डिवाइड होगा। इसके 2 डिजिट देखने हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए बच्चों। ओके, लास्ट वाला डिजिट। उसी तरह ये देखिए बच्चों, इससे क्या होगा बच्चों, आपको कट करने में बड़ा आसानी होगा। आपको कट करने में पता चल जाए कि ये वाला जो संख्या है ये कट होगा या नहीं और किससे होगा। यदि दोनों संख्या एक ही संख्या से कट हो रहा है, एक ही संख्या में डिवाइड हो रहा है, तो आप कट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके बच्चों, अब देखिए लास्ट इसका 2 डिजिट देखिए लास्ट वाला, तो ये 16 है, ये भी आता है 4 को यदि डिवाइड कीजिएगा तो इसके रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेंगे। डिविजिबल का अर्थ क्या होता है बच्चों, डिवाइड का अर्थ क्या होता है, जिसके रिमाइंडर बिल्कुल ना बचे। ओके, बिल्कुल नहीं, नीचे 0 शेष यानी 0 बचे। ओके, तो ये होंगे। ओके, ये भी होगा क्योंकि 16 है, 4 के टेबल में आते हैं। ओके, 4 से डिवाइड होता है तो ये भी होंगे। अब बच्चों बात ये आती है कि 2 में एक ही 0 रहेगा तो भी ये 2 से डिवाइड होगा, बट 4 वाले में 4 से डिवाइड होने के लिए 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, तब ये 4 से डिवाइड होंगे। हमेशा याद रखिएगा कि 4 से डिवाइड होने के लिए, जैसे 100 बच्चों 4 से डिवाइड होते हैं ना, उसमें तो 2 जीरो होते हैं, है ना, तो उसमें होते हैं तो वो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 जीरो है, एक जीरो रहता ना बच्चों, तो देखना पड़ता कि ये 4 से डिवाइड हो। जैसे 20 रहता, 720 रहता, तो ये 20 तो हो रहे हैं तो ये भी हो जाता। ओके, उसी तरह 730 रहता, 30 तो बिल्कुल नहीं है, 30 तो 4 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होते। तो हमें देखना पड़ेगा, ये एक जीरो रहेगा तो देखना पड़ेगा कि भाई हो रहे या नहीं, टेबल में आएंगे 4 के, 4 से डिवाइड होगा तो समझिएगा कि ये होगा, और नहीं होगा तो समझिएगा नहीं होगा। ओके बच्चों,
अब देखिए, अब दो जीरो रहेगा तो आप बेझिझक आंख बंद करके इसको समझिएगा कि ये डिवाइड होगा। ओके, उसी तरह इसमें दो डिजिट देखिए तो ये क्या है, 34 क्या 4 के टेबल में आते हैं? तो बिल्कुल नहीं आते हैं। 49 जा 36, 48 जा 48 जा क्या होता है 32, तो बिल्कुल नहीं आते हैं, तो ये नहीं होंगे। उसी तरह ये देखिए 72 भी बच्चों यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएंगे। ठीक है, यदि देखिए डिवाइड कीजिए, आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए बच्चों, ये 72 लीजिए, 3 ये 2 8 32, ये देखिए रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचा, तो ये पूरी डिवाइड हो गया, तो ये भी क्या होंगे बच्चों, होगा 4 से डिवाइड हो गई ये पूरी संख्या। कितना आसान है ना बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ये देखिए लास्ट वाला दो डिजिट देखिए 42 क्या 4 के टेबल में आएंगे बच्चों? 4 से डिवाइड होगा, तो ऐसे ही नहीं होगा बच्चों, ऐसे ही पता चल रहा है कि नहीं। 4 10 जा क्या होता है 44, 11 जा यदि भी करेंगे तो क्या होगा 44, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ओके, अब 8 के डिजिबिलिटी का रूल क्या कहता है बच्चों? 8 के डिजिबिलिटी का रूल ये कहता है बच्चों कि लास्ट का 3 डिजिट देखना है। 2 वाले में क्या था, आपको सिर्फ 1 डिजिट देखने थे। 4 वाले में क्या है, 2 डिजिट देखने थे। ओके, लास्ट के 2 डिजिट देखने थे जो 4 से डिवाइड होने चाहिए। 8 का क्या है बच्चों, इसमें 3 डिजिट देखने हैं लास्ट के। ठीक है, तो देखिए 528 क्या 8 से डिवाइड होंगे बच्चों? तो डिवाइड करके देखिए यदि हमें इतना बड़ा डिवाइड करने से अच्छा है, ये तो मन में भी कर सकते हैं बच्चों यदि आपको प्रैक्टिस होगा। तो देखिए 4 2 3 12, हम तो ऐसे ही बता रही है, ये होगा। ओके, मैं आपके लिए सिर्फ ये मैं आपके लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए हो रहा, ये सॉरी 8, ये 4 8 48, सॉरी बच्चों सॉरी, ये देखिए 8 से डिवाइड कीजिए 528, 4 6 जा 48, उसी तरह 4 8 4 6 जा 48। तो देखिए बच्चों ये 0 0 आ गया ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये होगा। उसी तरह ये भी देखिए बच्चों, ये 606 क्या 8 से डिवाइड होते हैं? तो आप समझिए यदि आप डिवाइड करके देखेंगे तो हमें नहीं लगता कि ये 8 के टेबल में आएंगे। आप देखिएगा ये 8 के टेबल में बिल्कुल नहीं आएंगे, 3 डिजिट देखने हैं। उसी तरह इसका देखिए, इसका 40 होगा, 46 बचेगा 63, तो 4 1 4 2 ये भी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ऐसे भी समझ लीजिए बच्चों किसी भी इवन संख्या का टेबल हमेशा इवन नंबर ही आता है, ऑड नंबर बिल्कुल नहीं आता है बच्चों, इतना समझ लीजिए। यदि 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में आपका इवन नंबर ही आने चाहिए, आप इतना दम दिमाग रखिएगा, कभी नहीं है जैसे 3 है तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो ऐसी ये काट दीजिए। कभी भी इवन नंबर का, ऑड नंबर का बच्चों टेबल में इवन आ सकता है, बट आप देखिएगा हमेशा, बट इवन नंबर का कभी भी टेबल में ऑड नंबर बिल्कुल नहीं आता है बच्चों। ओके, आप देखिए इसका ये 4 के, ये 8 के टेबल में आएगा बच्चों, देखिए 8 5 जा 8 6 जा 48, और ये 60 61 में ये कटेगा। ओके बच्चों, तो ये होगा, ये देखिए बच्चों ये होगा, ये देखिए 4 40 20, ये नहीं होगा बच्चों, आप देख लीजिएगा ये बिल्कुल नहीं होने वाला, ये 3 डिजिट देखना है तो ये नहीं होगा। ओके बच्चों, उसी तरह अभी ये इसको देखिए बच्चों, ये देखिए ये थी, अब देखिए मैं आपको क्या बताई थी, अब ये देखिए ट्रिक जी, 2 वाले में आपका 1 0 था, 3 वाले में 4 वाले में आपका 2 0 था, 2 वाले में 1 लास्ट में 0 था तो वो कट जा रहा था, टेबल में आ रहा था, 4 वाले में 2 0 था, अब 8 वाले में क्या है 3 0 है, 3 0 यदि रहे तो आप बेझिझक आंख बंद करके आप इसे सोचिए कि ये टेबल में 8 के टेबल में क्या होंगे, होंगी। ओके बच्चों, आंख बंद करके आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, यदि 3 0 रहे तो, 2 0 रहेगा तो पर आपको देखना पड़ेगा क्या 8 के टेबल में ये आते हैं, जैसे 800 रहे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये टेबल में आ रहे हैं, बस ये। और यदि 3 डिजिट रहे 0 तो बच्चों आप आंख बंद करके इसे क्या कीजिएगा, ये आता है 8 के टेबल में। ओके, अब देखिए बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।